जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। सुबह ठंडे पानी के छींटे मारने जरूरी है क्या बलू? हाँ, इससे पूरा दिन अच्छा जाता है। तो बघीरा ये क्यों नहीं करता? क्योंकि महाशय अभी भी सोए हैं और उन्हें पानी से एलर्जी है। हो गया। मोगली वापस आओ। इस हिरन से दूर ही रहना बाकी है। ये मेरा शिकार है, तुम नहीं चुरा सकते। क्या? पर मैंने कब ऐसा कहा? सुबह सुबह शुरू हो गए फियोना। बात शुरू हुई है उसे खत्म अकेला करेगा। फियोना रुको, मैं तो ऐसा ये फियोना की नई चाल है तुम्हें फिर से झुंड से निकलवाने की। ये साजिश है। एक भेड़िया कभी भी दूसरे साथी का खाना नहीं चुराएगा। काश मोगली भेड़िया होता तो ये बात समझ पाता। ये बात वाकई गंभीर है। पर मैंने इसका शिकार नहीं चुराया अकेला। हाँ, मोगली सच कह रहा है। तुमने खुद देखा बलू? नहीं, देखा तो नहीं, पर किस पर भरोसा करोगे अकेला? एक असली भेड़िये पर या इस धोखेबाज पर? इस मामले को सुलझाने का एक ही तरीका है। मोगली को भी बाकी जवान भेड़ियों की तरह एक इम्तिहान देना होगा ताकि वो साबित कर सके कि वो असली भेड़िया है। कोहरा घाटी का इम्तिहान। ओह, उस खतरनाक कोहरे की घाटी में तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। तुम अकेले रहोगे, इसलिए मुसीबतों को सूंघ के और सुनकर भापना होगा। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। बताओ ये क्या है? ये तो नदी की खुशबू है। अब नहीं, मछली की। ओहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये बताओ, ये तो कोई फल लगता है। सही जा रहे हो। और ये बताओ, ये कोई सड़ी हुई चीज है। क्या था ये बलून? खैर छोड़ो, ये काम हो गया। अब आवाज टेस्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। बलू, माफ करना। बघीरा आ गया, मतलब लंच टाइम। अब बन सकते हैं हमारे स्पेशल मेंबर। मेंबर क्या? हमने पावर किड्स को सब्सक्राइब कर रखा है और हमें जंगल बुक के हिंदी कहानियाँ और दूसरे वीडियोस अच्छा लगते हैं। But we have more. हमारे पास उससे भी ज्यादा और भी बहुत कुछ है। क्या बलू, तुम बताओ? हमारे पास ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमारे चैनल पर भी नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा एक्सक्लूसिव और स्पेशल हैं। जैसे जंगल बुक सीजन 3 की हिंदी कहानियाँ और जंगल बुक सफारी की कहानियाँ हिंदी में, और भी बहुत कुछ। शेर खान, तो मेंबर बन जाए। क्यों नहीं, आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। जैसे लॉयल्टी बैजेस, इमोजीज, अर्ली एक्सेस टू वीडियोस। आप हमारी प्राथमिकता बन जाओगे। शेर खान, मेंबर बन जाते हैं ना प्लीज। आज का खाना कैसा लगा शेर खान? ये कमजोर मछलियाँ तो मेरे दांत में चिपक जाएंगी, मेरी भूख ऐसे नहीं मिटेगी। तुझे ही मेरे लिए शेरों वाली खुराक लानी होगी गीदड़, क्योंकि मेरा पंजा जख्मी है। ओह, हिरन ला, भैंसा ला, या फिर इंसानी बच्चा। ठीक है शेर खान, मैं समझ गया शेर खान, जो तुम बोलो शेर खान। फियोना, खामोशी से मेरी बात सुन गीदड़। मोगली, वो अकेला है? पर ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ही हो जो उस मोगली को कोहरे की घाटी में खत्म कर दोगे। लेकिन ये काम तुम खुद भी तो कर सकते हो। इम्तिहान के दौरान अकेला की नजरें मुझ पर ही गड़ी होंगी, मुझे उसे घाटी के पास ही मिलना है। करोगे ना? एक मिनट रुको शेर खान, खाने का इंतजाम हो गया।
क्या लगता है बलू, मैं इम्तिहान पास कर लूंगा? वो फिक्र छोड़ो, बस इम्तिहान दे दो। तैयार हो मोगली? हाँ हूँ। तो नियम बहुत आसान है, तुम्हें अकेले ये घाटी पार करनी है और दूसरी तरफ मुझसे मिलना है। और सही रास्ता साबित करने के लिए तुम्हें अपने साथ बड़े कैक्टस का फूल, गरम फुहारे का पत्थर और काली झाड़ी की पत्ती लानी है। ओ, हमने इसकी तो प्रैक्टिस की ही नहीं, अगर ये कोई मुसीबत में फंस गया तो? हम पहाड़ी के ऊपर ही रहेंगे जहाँ से उसकी आवाज़ सुन सके, अगर मुसीबत आए तो वो हमें पुकार सकता है। अगर उसे मेरा पता चल गया तो? इसी बात का तो ध्यान रखना होगा। घने कोहरे में मुझे नहीं लगता तुम्हें उस मोगली के बच्चे का सफाया करने में कोई दिक्कत आनी चाहिए। फियोना कहाँ है? उसे यहाँ होना चाहिए। मुझे जाना होगा, काम करके लौटना। मैं आ गया अकेला। कैक्टस के इलाके में सरसराती हुई आवाज आएगी और गर्म फुहारे के पास सड़े अंडों की बदबू और काली झाड़ियों से हो गया बलू, क्योंकि मोगली को अपना इम्तिहान शुरू करना है। घबराना मत बलू, जितना तुमने सिखाया है मैं कुछ नहीं भूलूंगा। ओ, क्या बात है बच्ची। ओ, चलो मेरे साथ आगे बढ़ो, घबराना मत, मुझे भी हिम्मत से आगे बढ़ना होगा और रास्ते भर नाक कान खुले रखने होंगे। फूल तो मिल गया। अकेला बलू, मैंने बड़े कैक्टस का इलाका पार कर लिया है, एक काम पूरा, अब बस दो बाकी हैं। बहुत अच्छे मोगली, ऐसे ही बढ़ते रहो। कितनी गंदी बदबू है। तभी यहाँ इतना कोहरा रहता है। इम्तिहान पास कर लेगा। हुर्रे, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या देख रहे हो फियोना? तुम्हें कुछ दिखा? ऐसा लगा कि शेर खान है, हमें देखना चाहिए। नहीं, मैं जाऊंगा। अब तक वो मोगली जिंदा क्यों है चबाकी? समझो किस्मत खराब थी, पर अब देखना मैं उसे लालच देकर वहाँ तक ले जाऊंगा और बड़े पत्थर के नीचे दबा दूंगा। जो करना है जल्दी करो। मैंने देखा वो एक हिरन था। तो इतना कह रहा है तो ठीक है, बता इंसानी बच्चे कैसे करना है जॉइन? बहुत आसान है, इस वीडियो के नीचे नीले रंग में जॉइन टैब है, बस उस पर क्लिक करें। या पावर किड्स यूट्यूब होम पेज पर सब्सक्राइब बटन के बगल में ब्लू जॉइन बटन है, आगे बढ़ें, उस पर क्लिक करें और अपनी मेंबरशिप प्लान चुनें। आज ही मेंबर बने और टीम पावर किड्स का हिस्सा बने और देखें एक्सक्लूसिव और स्पेशल कहानियां सबसे पहले।
तुम्हारी बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है फियोना, पर जो भी है तुम कामयाब नहीं होगे। मोगली भेड़ियों की ये परीक्षा जरूर पास करेगा। अफसोस की बात है, तुम्हारी चाल बेकार जाएगी। मेरी चाल कभी बेकार नहीं जाती। चाल की बात कर रहे हो तुम, हमें भी बताओ। कुछ नहीं। तुमने मुझसे झूठ कहा फियोना। मैं हमेशा से जानता था कि तुम मोगली से चिढ़ते हो, पर कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी हद पार कर दोगे। तो मोगली को इस इम्तिहान की जरूरत ही नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोगली, मोगली! बलू, तुम ही हो ना? फेहुना का भांडा फूट गया। बचाओ, कोई तो बचाओ। दूर चलो। कहाँ से चिपक गए? तो बाकी तुम? ये तो नीच है, यही झाड़ियों में रहते हैं। इनका काटना बहुत खतरनाक होता है, शरीर अकड़ जाता है। देखना, ये भी अकड़ जाएगा। ये तो अकड़ गया। घबराओ मत, कुछ घंटों के बाद ये ठीक हो जाएगा। शुक्रिया मेरी दोस्त। मोगली को हमारे झुंड की काबिल सदस्यता साबित करने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये बात खुद को सभी भेड़ियों के वकील समझने वाले भी सुन लें। ये वाकई एक असली भेड़िया है। ओह, तुमने तो मुझे रुला दिया मोगली। इमोशनल होना। अरे छोड़ो भी। ये है